दुनिया भर में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कुछ देशों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके बावजूद कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण खत्म हो रही है। अब कोरोना वायरस को लेकर एक नया हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। इसके बारे में जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां भी नहीं दबा पाएंगे। दरअसल इस बार कोरोना ने इंसानों के दांतों पर अटैक किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमित कुछ लोगों में दांतों के कमजोर होने और टूटने की समस्या देखी गई है। यह अजीबोगरीब मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। यहाँ पर 43 साल की फरा खेमिली रहती है। फरा को कोरोना संक्रमण ने अपने चपेट में लिया था, जिसके बाद वे पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी, लेकिन एक दिन उन्हें अपने दांतों में जनजनाहट महसूस हुई। कैमिली ने अपने छूकर देखा तो उनका नीचे का दांत हिल रहा था और फिर अगले ही दिन फरा का दांत अचानक निकलकर उनके हाथ में आ गया। इसे देखकर वे हैरान और परेशान हो गई। इस दौरान उनको न ही दर्द महसूस हुआ और न ही खून निकला। यूनिवर्सिटी ऑफ उटाओ के पीरियडोंटिक्स डॉक्टर डेविड ओकानो के अनुसार किसी व्यक्ति के दांत का अचानक टूटकर बाहर आ जाना बेहद आश्चर्यजनक बात है। यह समस्या और भी ज्यादा भयावह रूप ले सकती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।